कोई अभी तक कोई अरेस्ट नहीं, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं। और अगला बार जब हम आए सर तो एसपी साहब बोले कि इनका अपने रिश्तेदार में किसी तरह का है, उससे लिया जा रहा है सर। हाँ, इस तरह से सर टरकाया गया, उसमें भी नहीं निकला। फिर सर अभी जब यहाँ हमको बुलाया गया सर, जब हम मुख्यमंत्री जनसंवाद में इस तरह का आए सर, तो टॉर्चर किया जा रहा है सर हमको। सर बड़ा जाता है मुख्यमंत्री के पास, बहुत ही इस तरह से काबिलियत बनता है, हम सिखाते हैं। फिर देखिए सर, उनका जो भाई रोबिन का नहीं ब्लड सैंपल मिला सर, खबर कह रहा है कि उसका भाई का लिया जाएगा। देखिए सर, नोटिस किया गया है, जबकि सर हम एकदम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, आप सीबीआई जांच लगा दीजिए सर, देखिए एकदम हमको न्याय मिल जाएगा सर। मेरी बच्ची का अगर न्याय चाहते हैं सर, मैं प्रशासन से नहीं सर, हम भी एकदम थाना से बहल गए सर, थाना हम नहीं कर सके सर। हाँ बताइए, एसपी गिरिडीह, एसपी गिरिडीह, हाँ इसमें कोई भी एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुआ है। डीएनए मैच नहीं किया तो उन्होंने उसके बाद उसको छोड़ दिया। जैसे हेलो, कुछ तो अपना सोर्स तो होगा ना, तो मर्डर हो जाए और पता ही नहीं चले कि कौन मर्डर किया। अभी आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, और ये बहुत ब्रूटल टाइप का है। अरे इनका बात छोड़ो, पुलिस का क्या ड्यूटी है? क्या पढ़ रहे हो आगे? अब उसको इसमें दिया जा रहा अपराधी, बलात्कार किया, हत्या किया, कौन है एसपी वहां का? एसपी सुरेंद्र, कौन है डीआईजी उधर? डीआईजी से प्रभात हजारीबाग वाले होंगे ना? विपुल गिरिडीह का है ना, हजारीबाग का, हजारीबाग का है। जो आदमी बयान दिया है वो बयान नहीं लिखे, मनगढ़ंत बना के सर हमको जलील किया जा रहा है। उसका नहीं, कोई तो एक्यूज होना चाहिए। चार साल हो गया, क्या भैया पुलिस विभाग में काम करते हैं? पंकज है ना, ठीक है, ये डीआईजी को जिम्मेवारी दीजिए सर। एकदम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, सीबीआई लगा दीजिए सर, सीबीआई का ही अधिकारी है जो डीआईजी है ना, सीबीआई से एकदम लगा दीजिए सर। देखिए हमारी बेटी के न्याय मिल जाएगा सर, और अगर न्याय मिल गया सर तो हम कहते हैं कि बिरनी थाना में इस तरह का क्राइम होगा ही नहीं सर। बहुत मामला पड़ा हुआ है सर, जो कि इस तरह से लोग चुप लगा दिए। जो डीआईजी है ना सीबीआई से ही आया है, ठीक है सर, लेकिन जो बड़ा बाबू वहाँ फिर दे दिया गया सर, उसको देखो कौन बड़ा बाबू है सर, हटा उसको। जब ब्लड सैंपल लेने जा रहे थे उस दिन, फिर उनको बुला लिया आरजी पासवान को, जबकि उनका अनुसंधान नहीं था। उसको आज ही हटा उसको, एकदम लाइन में रखो सबको, दरोगा को नहीं जोड़ा। प्रशांत कुमार सर, प्रशांत कुमार हटा उसको, उसमें रखो सबको। चलो सर, आज का 70 साल हो गया, उसके साथ बलात्कार हुआ, साक्ष्य मिल गया, पुलिस अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं, तो क्या सुपरविजन करता है भाई? आप लोग मुख्यालय में क्राइम सुपरविजन करता है, डीजी ऑफिस में बैठ कर ये सब केस का स्टडी नहीं करते आप लोग? पुराने केसेस हैं वो तो रिव्यू में आता होगा।
चार चार साल पुराने मामले। लास्ट मामला है सर, देवघर का पेयजल स्वच्छता विभाग।